స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా ఢిల్లీలోని చాందిని చౌక్లో క్లీనింగ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్. మంత్రే స్వయంగా పరిసరాల్లోని చెత్తను తొలగించారు. ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా మెగా క్లీనింగ్ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నారు అధికారులు. पिछले वर्ष 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा था, हमने उसे बहुत ज्यादा इकट्ठा किया. इस साल हमने 100 लाख किलो का प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने की जो शुरुआत की, गांधी जयंती से लेकर एकता दिवस यानी कि सरदार पटेल जी की जयंती तक हमने रखा है. पहले 18 दिनों में 96,396 कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए. 84 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट अब तक हमने इकट्ठा किया है और ये मात्र 18 दिनों में करने का काम किया. ऐतिहासिक स्थान हो, सामुदायिक भवन हो, पंचायत भवन हो या बाकी जो स्थान है वहां पर सब स्कूलों में भी काम किया गया. हमने लक्ष्य रखा है कि ऐसे स्पॉट भी चिन्हित करेंगे जहां पर कूड़ा लगातार पड़ता है. जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाएंगे. स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छ, सुंदर और सशक्त भारत बनाने का शुरुआत करेंगे और 100 लाख करोड़ से कई ज्यादा हम यहाँ पर 100 लाख किलो से ज्यादा हम यहाँ पर पूरे देश भर में प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेंगे. 84 लाख किलो हम 18 दिन में इकट्ठा कर चुके हैं.